हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ स्टोरी जेम्स। स्टोरी जेम्स में सबसे पहले हम आज श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे यंग एंड टैलेंटेड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को। जी हां दोस्तों, एमएस धोनी और छिछोरे जैसे सुपरहिट फिल्मों में काम करने वाले एक्टर सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच नहीं है। हम अपने इस शो के माध्यम से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आज का समय पूरी ह्यूमैनिटी के लिए टेस्टिंग टाइम है, और ऐसे समय में आप पेशेंस ना खोएं, अपने दोस्तों से रिश्तेदारों से जुड़े हुए रहें, और हमेशा याद रखें सुसाइड कभी भी किसी समस्या का सोल्यूशन नहीं होता है। स्टोरी जेम्स में आज हम बात करने वाले हैं तिलस्म की। ये होता क्या है और इसे क्यों बनाया जाता था। बात करेंगे अयारों की और जानेंगे कि चंद्रकांता कहानी का जन्म क्यों और कैसे हुआ। साथ ही साथ इस कहानी के लेखक बाबू देवकी नंदन खत्री के बारे में भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तिलस्म एक मैकेनिक। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, चंद्रकांता कहानी की रचना बाबू देवकी नंदन खत्री ने की थी। उनका जन्म 18 जून 1861 को एक पंजाबी कायस फैमिली में हुआ था। उनके पूर्वज सिख महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में ऊंचे पदों पर कार्यरत थे, जो सिख साम्राज्य के पतन के बाद काशी में आकर बस गए। युवा अवस्था में बाबू खत्री काम की तलाश में वर्तमान बिहार के टिकारी महाराज के यहाँ जा पहुँचे। टिकारी गया शहर से 17 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटा सा शहर है, जहाँ पर 18वीं शताब्दी से लेकर भारत की आज़ादी तक 2000 से भी अधिक गाँवों की जिम्मेदारी हुआ करती थी। खत्री जी के बिहेवियर और नॉलेज से प्रभावित होकर वहाँ के राजा ने उन्हें जंगलों से कीमती लकड़ियों के कारोबार करने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। देखते ही देखते व्यापार चल निकला और खत्री जी ने बहुत सारा धन कमा लिया। बढ़े हुए धन के साथ साथ कई यार दोस्त भी बन गए। फिर हुआ कुछ यूं कि उनकी लाइफ ही पलट गई। दोस्तों की बातों में आकर जोश जोश में खत्री जी ने एक बाघ का शिकार कर डाला। उस समय के कानून के अनुसार बाघ का शिकार केवल राजघराने के लोग ही कर सकते थे। फलस्वरूप राजा ने गुस्सा होकर खत्री जी से सारे कॉन्ट्रैक्ट छीन लिए। व्यापार बंद हो गया, धन संपत्ति चली गई, दोस्त यार भी एक एक करके छोड़ गए। ऐसे में खत्री जी बिल्कुल अकेले पड़ गए और जंगल जंगल शहर शहर मारे मारे फिरने लगे। ऐसे समय में उन्होंने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए अपने जंगल, पहाड़, खंडरों, किलों, नदियों, बावड़ियों, गुफाओं इत्यादि के एक्सपीरियंस का यूज किया और साल 1888 से लेकर साल 1892 तक कुल 4 भागों में चंद्रकांता जैसी महान कहानी की रचना कर डाली। अब बात करते हैं अयारों की। अयारों का दर्जा जासूसों से काफी ऊपर होता था। वे केवल जासूसी ही नहीं बल्कि राजकाज में भी हाथ बटाते थे। हरेक अयार काफी बहादुर और स्वामी भक्त होता था। वे काफी तेज दौड़ने, रूप बदलने और भारी भरकम वजन उठाने में माहिर हुआ करते थे। एक अयार अकेले ही 10-20 सैनिकों की छोटी टुकड़ी पर भारी पड़ जाता था। हरेक के पास एक अयारी का बटवा जरूर हुआ करता था। इस बटवे को अगर छोटा मोटा भानुमति का पिटारा कहा जाए तो भी कुछ कम न होगा। इस बटवे में मोमबत्ती, दिया सलाई, बेहोशी की दवा, कई प्रकार के केमिकल्स, मेकअप का सामान, बारूद, जड़ी बूटी और खाने के लिए मेवे हुआ करते थे। इन अयारों के कुछ कायदे कानून भी हुआ करते थे, जैसे कि जब भी दो अयार जो आपस में मिलते थे तो वे नमस्ते की जगह जय माया की बोला करते थे, अर्थात माया देवी अयारों की इष्ट देवी थी। एक अयार दूसरे अयार को कभी भी जान से नहीं मारता था, बल्कि उसे कैद कर लेता था। अयार लोग जब कई सारे लोगों के बीच घिरे होते थे तो आपस में बाहुबली फिल्म के कालकेय की तरह कोड लैंग्वेज में बात किया करते थे। तो दोस्तों, ये थी तिलस्म और अयारों के बारे में पूरी जानकारी, जो अभी तक किसी भी सीरियल में नहीं दिखाया गया है। सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे इन अयारों की दांतों तले उंगली दबा लेने वाले कारनामे और तिलस्म में फंसी चंद्रकांता को छुड़ाने के लिए कुंवर वीरेंद्र प्रताप ने क्या किया। कहानी के नेक्स्ट पार्ट को जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, बी सेफ, बी हैप्पी।